Good evening to everyone. Hope everybody is fine and safe. So welcome to my channel, that is Nursing Gyan. Myself, I am Mr. Vaibhav Bhosle, Assistant Professor from Prora Institute of Medical Sciences. जैसे कि आप जानते हो, कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और वो भी महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो प्लीज़ डू यूज़ सैनिटाइजेशन, वॉश योर हैंड प्रॉपरली एंड प्लीज़ फाइट अगेंस्ट कोरोना इन दिस पर्टिकुलर टफ टाइम. सो सबको निवेदन है कि गाइडलाइंस प्लीज़ फॉलो करें. तो टुडे विल सी रिलेटेड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज पर एज फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग इज कंसर्न. तो फंडामेंटल्स है जो जुड़ा है, दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल पोजिशंस एंड इट्स यूजर्स. सो मेडिकल में कौन से पोजिशन रहते हैं, उसका यूज क्या है और कौन से पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में कौन से पोजिशन यूज करते हैं. फर्स्ट विल सी रिलेटेड टू द सुपाइन पोजिशन. इट इज द बैकलाइंग पोजिशन विथ आर्म्स ऑन द साइड. मतलब इसमें सुपाइन मतलब मुंह ऊपर करके सोते हैं और बैक जो भी रहता है वो जमीन को लगता है और हाथ एक साइड पे रहते हैं. और ये यूजुअली आपने देखा होगा, यूजुअली ये पोजिशन यूज करते हैं सोते वक्त. देन फिजिकल एग्जामिनेशन, रेस्टिंग, अंडरगोइंग एनेस्थेसिया और लंग बायोप्सी, ये सारे चीजों में इसका यूज ज्यादातर होता है. पर्टिकुलरली रेस्टिंग पोजिशन इज कॉल्ड एज अ सुपाइन पोजिशन. नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि इमेज ही आपको याद दिलाता है, इज द अपोजिट ऑफ सुपाइन, दैट इज प्रोन. पर्सन लाइंग ऑन द अब्डोमेन विथ हेड टर्न टू द वन साइड. मतलब अब्डोमेन के ऊपर सोते हैं और अपना सर जो भी रहता है एक साइड पे रहता है. और यूजुअली कोविड में भी ये पोजीशन बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि कोविड में ये पोजीशन सोने से थोड़ा तकलीफ कम होता है. सो द यूजेस आर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, रिकवर पोजिशन आफ्टर एनेस्थीसिया, टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स, रेनल बायोप्सी और यूजुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा अकल्ट होता है, उसमें भी ये पोजिशन यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ डार्सल रिकम्बेंट पोजिशन. पोजिशन इन विच पेशेंट लाइज ऑन द बैक विथ लोअर एक्सट्रीमिटीज मॉडरेटली फ्लेक्स एंड रोटेटेड आउटवर्ड. मतलब इसमें सुपाइन ही सोता है, जस्ट नी जो भी हो वो फ्लेक्स करता है और थोड़ा आउटवर्ड रोटेट भी करते हैं. और पिलो सर के नीचे रहता है. इसके यूज जैसे कि आप जानते हो, मतलब थोड़ा थाई फैला हुआ है तो वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बायमनल पैल्पेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देन पेरिनियल केयर दे सकते हैं, पीवी एग्जामिनेशन भी इसमें यूजुअली कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो, रिपेयर ऑफ लेजन फॉलोइंग पार्चुरेशन. पार्चुरेशन के बाद जो भी लेजन रहता है उसके लिए भी वो निकालने के लिए भी वो हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ ट्रेंडलबर्ग पोजिशन. द बॉडी इज लेड सुपाइन और फ्लैट ऑन द बैक ऑन अ 15-30 डिग्री इंक्लाइन विद द फीट एलिवेटेड अबोव द हेड. मतलब इसमें पैर ऊपर रहते हैं और हेड नीचे रहता है और जो भी पैर रहते हैं वो 15-30 डिग्री ऊपर इंक्लाइन किया जाता है. और इसके यूजेस देखो, शॉक पेशेंट में यूज करते हैं, जैसे कि सर नीचे है तो ब्लड सर के तरफ ज़्यादा आ जाता है शॉक पेशेंट में, वैसे ही हाइपोटेंसिव पेशेंट में यूज करते हैं. कॉर्ड प्रोलैप्स में भी यूज करते हैं जब तक सिजरीन ना हो जाए. एयर एम्बोलिज्म, सर्जिकल रिडक्शन ऑफ एन अब्डोमिनल हर्निया, ये सब में ये यूजली करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजिशन. दिस इज अपोजिट टू द ट्रेंडलबर्ग पोजिशन. द बॉडी सुपाइन ऑन एन इंक्लाइन बट विद द हेड नाउ बींग एलिवेटेड. मतलब आपने ट्रेंडलबर्ग में देखा था हेड नीचे था और सर नीचे था, इधर सर ऊपर है और पैर नीचे है और एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ट्रेंडलबर्ग है. इसके यूजेस एक ही यूज है इसका, टू मिनिमाइज गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स. जो भी गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स होता है इसको ये मिनिमाइज करता है और एस्पिरेशन भी ये प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट वन इज अ लैटरल पोजिशन. लैटरल पोजिशन जैसे कि आप जानते हो, लैटरल पोजिशन में दो है, राइट लैटरल एक आता है और लेफ्ट लैटरल पोजिशन एक आता है. लैटरल और इसको साइड लाइंग पोजिशन भी बोलते हैं. द पेशेंट लाइज ऑन द साइड, वन साइड ऑफ द बॉडी, आइदर राइट और लेफ्ट. मतलब एक साइड से होता है वो, चाहे दाए हो या बाए हो, तो इसको यूजुअली हम लैटरल पोजिशन बोलते हैं. और यूजेस ऑफ लैटरल पोजिशन, टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन, टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कॉकिक्स आफ्टर लिवर बायोप्सी. राइट लैटरल पोजिशन पाइलोरिक स्टेनोसिस, राइट लैटरल पोजिशन ड्यूरिंग सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म, लेफ्ट लैटरल पोजिशन हम यूज करते हैं. तो लैटरल का एक यूनिक फायदा है. नेक्स्ट वन इज अ सिम्स पोजिशन. आपने देखा होगा ये पोजिशन. सिम्स पोजिशन और सेमी प्रोन पोजिशन इज व्हेन पेशेंट अज्यूम्स अ पोस्चर हाफ वे बिटवीन द लैटरल दिस थिंग एंड द लोअर आर्म इज पोजिशन बिहाइंड द क्लाइंट एंड अपर आर्म इज फ्लेक्स्ड एट अ शोल्डर एंड एल्बो. तो इन सिंपल बोलता हूँ, प्रोन पोजिशन में यूजुअली आदमी सोता है और थोड़ा रेक्टल इससे क्लियरली विजुअलाइज होता है क्योंकि हिप जो भी है थोड़ा ऊपर किया रहता है इसमें. सो
इसमें क्लियरली आपको जो भी रेक्टल एरिया है वो यूजुअली विजुअलाइज होता है। एंड यूजर्स, जैसे कि मैंने बोला था, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत आसान है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा, एनिमा डालने मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए और एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए भी। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द लो पोलर्स पोजिशन। इन दिस हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 30 डिग्री विथ फ्लेक्जन एट द लेवल ऑफ वेस्ट। मतलब जो भी आपका वेस्ट रहता है उससे 30 डिग्री आपका हेड एलिवेट होता है, तो इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, लो पोलर्स पोजिशन बोलते हैं। और इसके यूजेस देखते हैं, यूजुअली ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये करने के लिए करते हैं, बट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग एंड ड्यूरिंग इंक्रीज्ड ICP, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है तब भी देते हैं, टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सो नेक्स्ट वन इज द फॉलर्स पोजिशन। जैसे कि लाइक लो फॉलर्स था, ये सेमी फॉलर्स है, तो इन दिस हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 45 डिग्री विथ फ्लेक्जन एट द लेवल ऑफ द वेस्ट। मतलब इसमें 45 डिग्री जो भी है वेस्ट से एलिवेट करते हैं, तो इसको फॉलर्स और सेमी फॉलर्स भी बोलते हैं। और यूजुअली रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और डिस्निया केसेस में हम देखते हैं फॉलर्स पोजिशन ही हम देखते हैं। तो इसके यूज से टू प्रमोट द लंग एक्सपांशन, इसमें से लंग एक्सपांशन बहुत अच्छा होता है, टू रिलीव टेंशन फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, ट्रेकोइसोफेशियल फिस्टुला में भी ये पोजिशन दिया जाता है, और पैरासिंथेसिस में भी ये पर्टिकुलर पोजिशन दिया जाता है। तो पर्टिकुलरली डिस्निया में ये बहुत पर्टिकुलरली हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज हाई फॉलर्स पोजिशन। इन दिस हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री विथ फ्लेक्जन एट द लेवल ऑफ द वेस्ट। आप देख सकते हो बैक एकदम कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल में एलिवेट किया गया, एकदम स्ट्रेट, और पैर भी एकदम स्ट्रेट हैं। तो इसके यूज से टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ चोकिंग, चोकिंग अवॉइड करने के लिए, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के लिए भी हमें देते हैं, ARDS अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, एम्फाइसिमा, प्लूरल एफ्यूजन, सब देखा जाए तो सब रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोपनिक पोजिशन। ऑर्थोपनिक पोजिशन और इसको ट्राइपॉड पोजिशन, प्लेसेस द पेशेंट इन अ सिटिंग पोजिशन और ऑन द साइड ऑफ द बेड विथ ओवर बेड टेबल इन फ्रंट टू लीन ऑन एन पिलो ऑन द टेबल और रेस्ट ऑन। मतलब सेम बैठता है आदमी और थोड़ा लीन होके पिलो के ऊपर रेस्ट लेता है इसमें। तो इसके यूजेस ऐसे है, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थोरासिंथेसिस भी कर सकते हैं इसमें, पेरिकार्डाइटिस, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा, COPD दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एम्फाइसिमा, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये यूजुअली पोजिशन ऑर्थोपनिक पोजिशन यूजुअली दिया जाता है। नेक्स्ट है लिथोटोमी पोजिशन। लिथोटोमी पोजिशन इज वेयर द पेशेंट इज ऑन देयर बैक विथ हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड एंड थाइज अपार्ट। मतलब आप देख सकते हो सुपाइन सोया है और पैर थोड़ा ऊपर करके और नी की जगह पे बेंड किया है और थाइज थोड़े फैला दिया है, तो इससे जो भी पेरिनियल एरिया है वो क्लियरली दिख जाता है। तो यूजेस है वजाइनल एग्जामिनेशन, देन चाइल्ड बर्थ के टाइम आप जो भी लेबर वार्ड है उसमें देख सकते हो लिथोटोमी पोजीशन देते हैं, देन पेल्विक एंड गायनेक सर्जरीज में भी ये यूजुअली पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नी चेस्ट पोजिशन। नी चेस्ट पोजिशन आर ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली, इट कैन बी लैटरल और प्रोन। इन लैटरल नी चेस्ट पोजिशन द पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड, टॉर्सो लाइज डायगोनली अक्रॉस द टेबल, हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड। इसमें देखा तो सिंपल में बोला चाहे तो लैटरल्स होता है, नी जो भी है वो फ्लेक्स करते हैं और वो चेस्ट के तरफ यूजुअली आता है। इन प्रोन नी चेस्ट पोजिशन द पेशेंट नील्स ऑन द टेबल एंड लोअर शोल्डर ऑन टू द टेबल, सो चेस्ट एंड फेस रेस्ट ऑन द टेबल। मतलब इसमें फेस और नी सरफेस पर रहता है और जो भी अब्डोमिनल है उधर एलिवेशन रहता है, इससे रेक्टम क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है। तो इसमें सिग्मॉइडोस्कोपी, लंबार लैमिनेक्टोमी और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे बेस्ट पोजीशन है जिसमें रेक्टल विजुअलाइजेशन क्लियरली हो जाता है। नेक्स्ट वन इज अ किडनी पोजिशन। एक यूनिक पोजिशन है किडनी पोजिशन, पहली बार आपने सुना होगा। द पेशेंट अज्यूम्स अ मॉडिफाइड लैटरल पोजिशन वेर इन अब्डोमेन इज प्लेस्ड ओवर लिफ्ट इन द ऑपरेटिंग टेबल दैट बेंड्स द बॉडी। पेशेंट इज टर्न ऑन देयर कॉन्ट्रालैटरल साइड विद देयर बैक प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द टेबल। मतलब सर और पैर ये दोनों नीचे जाते हैं और जो भी लाइक रिट्रोपेरिटोनियल प्लेस रहता है वो आपको क्लियरली विजुअलाइज होता है। कॉन्ट्रालैटरल किडनी इज प्लेस्ड ओवर द ब्रेक इन द टेबल ओवर द किडनी बॉडी एलिवेटर इफ अटैचमेंट इज अवेलेबल। द अपर मोस्ट आर्म इज प्लेस्ड इन गटर रेस्ट एट नो मोर देन 90 अबडक्शन और फ्लेक्जन। आप इसको क्लियरली इमेज में देखो, इमेज में क्लियरली दिया है
जो भी सर है लैटरली सोया है और जो भी सर है और पैर है दोनों नीचे गए हैं, और आप देख सकते हो लैटरली जो भी रेट्रोपेरिटोनियल एरिया है वो क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। सो इसके यूजेस भी वही है टू विजुअलाइज रेट्रोपेरिटोनियल एरिया, किडनी सर्जरीज में भी ये यूजुअली हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जैक नाइफ पोजिशन, दिस इज ऑल्सो यूनिक पोजिशन। जैक नाइफ पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रास्के एंड इट्स वेर इन द पेशेंट अब्डोमेन लाइज फ्लैट ऑन द बेड इज सीजर्ड सो दैट हिप इज लिफ्टेड एंड लेग्स एंड हेड आर नाउ लो। मतलब इसमें जो भी बैक एरिया और पेल्विक एरिया है एक क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है, मतलब सर और पैर नीचे है, बैक क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है, ब्लैक और पेल्विक एरिया। सो यूजेस आर इन सर्जरीज सच एज एनस, रेक्टम, कॉकिक्स एंड बैक सर्जरीज, एडर्नल सर्जरीज, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, जिधर भी आपका इन्फीरियर नाका पे प्रेशर पड़ता है तो इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजिशंस। टुडे आई हैव सीन मेनी पोजिशंस लाइक सुपाइन, प्रोन, टेंडलबर, जैकनिफ पोजिशन, सिम्स पोजिशन, देन टेंडलबर पोजिशन, रिवर्स टेंडलबर पोजिशन, नी चेस्ट पोजिशन, किडनी पोजिशन विच आज वेरी यूनिक। सो दीज आर ऑल द पोजिशंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक यू सो मच। And I request to utilize this particular knowledge of position in your clinical field. Thank you so much.